नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी, धन का दिन और धनवंतरी भगवान का दिन। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धनवंतरी देव समुद्र के मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनवंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस पर्व से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान धनवंतरी, कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, आभूषण, भूमि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमें धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए जिससे हमें अधिक लाभ हो और भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। सोना और चांदी। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप सोना चांदी को इस दिन भगवान धनवंतरी के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी। झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफी शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने से आपके घर में जितनी भी विपदा और तकलीफें हैं उससे आपको निवारण मिलेगा, क्योंकि झाड़ू घर में लगने से आपके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सुख शांति आती है। बर्तन। इस दिन आप अपने घर के पुराने बर्तनों को बदलकर उसके बदले तांबे, पीतल, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीतल का बर्तन माता लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है। नए कपड़े। धनतेरस के अवसर पर नए कपड़े खरीद सकते हैं, क्योंकि नए कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन दिवाली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन हम सब लोग बर्तन और गहने खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गहने और बर्तन खरीदने पर आपके घर में अनेकों प्रकार की खुशियां और समृद्धि आती है। इसके अलावा अगर आप अपनी राशि के हिसाब से खरीदारी करते हैं तो इसका फल दुगुना हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए और किन वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए। मेष राशि। धनतेरस पर मेष राशि के जातक के लिए चांदी के बर्तन खरीदना उत्तम फलदायी साबित होगा। इससे मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा बनी रहेगी। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। वृषभ राशि। धनतेरस पर चांदी के आभूषण की खरीदारी वृषभ राशि वालों के लिए उन्नतिदायक होगी। जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वो लक्ष्मी पूजा के लिए चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं, यह उनकी तरक्की में वृद्धि करेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सोने से निर्मित चीजें खरीदें तो ज्यादा लाभकारी होगा। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने पर मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। घर की सजावट के लिए हरे रंग की कोई वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं, ये शुभ रहेगा। कर्क राशि। दिवाली पर श्री यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए धनतेरस पर चांदी का श्री यंत्र लेना श्रेष्ठ रहेगा। बजट न हो तो चांदी के पॉलिश वाले श्री यंत्र भी ले सकते हैं। इसकी पूजा कर तिजोरी में रख दें। कहते हैं ऐसा करने पर मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेंगी। सिंह राशि। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले धनतेरस पर सोने के गहने, बर्तन, सिक्के खरीदें। सोना आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। इसके साथ कुछ धार्मिक किताबों को भी खरीदकर रोजाना उसका पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले धनतेरस पर पीतल के बर्तन, श्रीयंत्र या हाथी के दांत से बने वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, यह सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करेगा। इस राशि के स्वामी बुध हैं, जिन्हें हरा रंग प्रिय है, इसलिए हरे रंग की वस्तु या कपड़े खरीदना शुभ रहेगा। तुला राशि। धनतेरस पर तुला राशि के जातक इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन से जुड़ी वस्तु
या चांदी की वस्तु खरीदें। मान्यता है कि इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, संपन्नता आएगी। माँ लक्ष्मी के श्रृंगार की वस्तुएं खरीदना भी बहुत लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि, धनतेरस पर भूमि, भवन, चल अचल संपत्ति में निवेश करने पर वृश्चिक राशि वालों को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सोना या चांदी में से कोई भी धातु वृश्चिक राशि वाले खरीद सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर वाहन, पीतल या सोने की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति घर लाना शुभ होगा। मान्यता है इससे पूरे परिवार को धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। मकर राशि, धनतेरस के दिन मकर राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर के लिए नीले रंग की वस्तु या कपड़े खरीदना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी का वास होगा। कुंभ राशि वाले चांदी के बर्तन या ऐसा सिक्का ले जिस पर मां लक्ष्मी और गणेश का चित्र बना हो, इससे कुबेर देव और मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी और धन की वर्षा करेंगी। मीन राशि वालों के लिए होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और पीतल के बर्तन लेना लाभकारी रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए धनतेरस का दिन उत्तम है। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी ने जन्म लिया है। धनतेरस का त्यौहार खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। धन संपत्ति समृद्धि के लिए धनतेरस पर आभूषण, बर्तन, जमीन, वाहन खरीदे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो भूलकर भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पे हमें क्या खरीदना नहीं चाहिए। स्टील और एल्युमिनियम शुद्ध धातु नहीं माने जाते हैं। जानकारी के अभाव में लोग इसे धनतेरस पर खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव रहता है जो जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार मात्र पीतल, सोना या चांदी धातु ही खरीदना शुभ माना गया है। नकली आभूषण, मात्र औपचारिकता या फिर पैसों की कमी के चलते यदि कोई धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेता है तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, इससे दरिद्रता का वास होता है। कांच और चीनी के बर्तन, धनतेरस पर कांच के बर्तन या इससे जुड़ी कोई भी वस्तु खरीदनी नहीं चाहिए। कहते हैं कांच में भी राहु का वास होता है, वहीं चीनी के गमले या बर्तन भी इस दिन लेना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर इन चीजों को घर लाना व्यक्ति को संकट में डाल सकता है। लोहा धातु से बनी चीजें धनतेरस पर खरीदी जाती है, लेकिन लोहा निर्मित वस्तुओं को इस दिन खरीदने से बचें। कहते हैं इस दिन लोहा घर लाने से गृह क्लेश होने लगता है, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने पर खर्च बढ़ने लगते हैं, पैसा हाथ में नहीं टिकता। प्लास्टिक झाड़ू, धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इनसे बनी दूसरी वस्तुएं जैसे गुलदस्ता की खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी बरकत नहीं देता। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, लेकिन सिर्फ सीको या फूल वाली झाड़ू खरीदना ही शुभ है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू घर ना लाए। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप सभी को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से शुभ धनतेरस।